हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 12 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 12 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर इंस्टॉल अननोन ऐप्स होते हैं, जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, उनको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि अननोन ऐप्स को आप कैसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको जाना है सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो भी हमारे फ़ोन में स्पैम कॉल प्रोडक्शंस होती है, इसको जो भी हमारे फ़ोन में अननोन ऐप्स वगैरह होते हैं, उसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपको सर्च करना है इंस्टॉल अननोन ऐप्स। तो इंस्टॉल अननोन ऐप सेटिंग्स को आपको सर्च करना है, तो आपके फ़ोन में ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप यहां से टैप करके ओपन कर सकते हैं। या आपके प्राइवेसी मैनेजमेंट सेटिंग्स पे आ जाएगा। तो इसमें लिए इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो भी अननोन ऐप्स वगैरह होंगे आपके फ़ोन में आ जाएंगे। किसी भी ऐप्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी अननोन ऐप्स हैं, जैसे अमेज़ॉन, बहुत सारे ऐप्स हैं जो इंस्टॉल कर सकते हैं आप। जैसे हमारे क्रोम ऐप्स जो इंस्टॉल हो रखा है पहले से ही, इसी तरीके से आप और भी ऐप्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे ड्राइव ऐप्स हैं, इसको इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप इसमें लिखा है आई एम अवेयर पॉसिबल, जो भी लिखा है इसको आपका यूज़ कर सकते हैं वॉलंटरी इसका। ओके करते हैं तो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। पर यूँ ही हो रहा है तो आप वो करके इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से अननोन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब